करना, ठीक है। यहाँ दे रखा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन अ सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ, तो इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है ए पार्ट, सो कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं आपको एन इज इक्वल टू 5 × 10⁻¹⁴ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, है ना। तो आपको क्या बताना है, कैलकुलेट द नेट चार्ज, तो चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है अपना, क्यू इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। जो चार्ज होता है उसका फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन मीन्स होता है नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का नेचर होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ क्या कर देंगे अपन, नेगेटिव माइनस कर देंगे, तो माइनस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 10⁻¹, ठीक है, और ई की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 × 10⁻¹⁹, तो ऐसे करके आपके पास क्या आ जाएगा डेट आंसर, और आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखो 16 या 10 कर देता हूँ, तो 5 × 2 = 10 और 2 × 8 = 16, तो 8 तो यहाँ से आ जाए आपके पास, −8 × 10⁻¹⁴ − 19, ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू −8 × 10⁻¹⁵ कूलाम, ठीक है। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन आपको ये दिया था कि कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन अ सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ, तो फर्स्ट पार्ट अपने सॉल्व कर लिया, कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मच, 5 × 10⁻¹⁴ इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो चार्ज कितना होगा, −8 × 10⁻¹⁵ कूलाम। ऐसे अपन बी पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, तो बी पार्ट देखो आप, बी पार्ट में क्या दिया है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 × 10⁻¹⁰ प्रोटॉन्स, ठीक है, 7 × 10⁻¹⁰ प्रोटॉन्स एंड 4 × 10⁻¹⁰ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन को दिए हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अपने पास, 7 × 10⁻¹⁰, ये तो हो गए अपने पास प्रोटॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, हाँ 4 × 10⁻¹⁰, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो अपने पास हो गए 4 × 10⁻¹⁰, तो इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज निकालोगे आप तो क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू माइनस, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लगाओगे माइनस, तो 4 × 10⁻¹⁰, और ई क्यू इज इक्वल टू एन ई लगा रहे तो 1.6 × 10⁻¹⁹ आ जाएगा। अपन ने 7 × 10⁻¹⁰ से तो इसने मल्टीप्लाई नहीं करा ना, नहीं अभी हम वो... अभी इलेक्ट्रॉन वाला सॉल्व कर रहे हैं ना अपन, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, इसको मैं क्यू वन कर देता हूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आ जाएगा, 16 × 4 कर लो कितना जाएगा, 64 यानी 6.4 आ जाएगा, 6.4 × 10⁻¹⁴ कितना जाएगा, 13 − 19, ठीक है, तो और सॉल्व करेंगे तो −6.4 × 10⁻¹⁴ ये कितना आ जाएगा, −6 कूलाम, तो ये तो आ गया आपका इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आ गया। अब ऐसे ही आप निकालो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको दिए हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए हुए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं देखो आपके पास, 7 × 10⁻¹⁹, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज निकालोगे क्यू टू वो क्या आएगा, प्लस का आएगा, तो 7 × 10⁻¹⁹ एंड × 1.6 × 10⁻¹⁹ −19, ठीक है, तो 16 × 7 कर दो एक बार कितना आएगा इसमें, 1.6 × 7 कर लेना यहाँ पर, तो ठीक है, और इंटू ये आ जाएगा 10⁻¹⁹ −19, ठीक है, तो 13 − 19 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 तो 11.2, ये 1.6 × 7 कितना जाएगा, 11.2, ठीक है, तो 11.2 × 10⁻¹⁴ ये बन जाएगा आपका −6 कूलाम, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ देखना, बी जो पार्ट इसमें दे रखा है कॉम्बिनेशन है इसका, तो कॉम्बिनेशन है तो नेट चार्ज कैसे निकालोगे आप, क्यू नेट, तो नेट चार्ज कैसे करते हैं, जो प्लस का है प्लस का और जो माइनस का है माइनस का रखेंगे अपन, तो जैसे नेट चार्ज अपन ने कर दिया Q1 + Q2, ठीक है, अब Q1 देखो आपका क्या है, Q1 है −6.4 × 10⁻¹⁶, ठीक है, और Q2 क्या है आपका, प्लस का है, तो प्लस का ये प्लस का है आपका, प्रोटोन था ना अपना, तो +11.2 × 10⁻¹⁶, तो यहाँ से 10⁻¹⁶ तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका 11.2 − 6.4, तो 11.2 − 6.4 करो कितना आएगा बताओ, 11.2 − 6.4 करोगे कितना जाएगा, 3.8 3.8 4.8 आ रहा है,
4.8, हाँ 4.8 सॉरी सर, 4.8 इंटू 10^-6 कूलाम, ठीक है। एक कन्वर्जन आप ध्यान रखना कि 1 माइक्रो कूलाम, इसको बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं माइक्रो, दिस इज माइक्रो। 1 माइक्रो जो होता है वो 10^-6 के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 माइक्रो कूलाम इजिकल टू होता है 10^-6 कूलाम, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4.8 माइक्रो कूलाम लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो थोड़ा म्यूट कर लो आपके, जिससे भी डिस्टरबेंस आ रहा है ना, रिकॉर्डिंग में आप लोगों को दिक्कत आएगी। इस तरह से आपको ये अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है। देख लो आप फॉर्मूला कौन सा लग रहा है आपका, ओनली क्यू इजिकल टू एन ई वाला है ना। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, और अगर प्रोटॉन है तो पॉजिटिव आ जाएगा। इसका जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए थे 5 × 10^14, और आपसे पूछा था चार्ज कितना आएगा, तो क्यू इजिकल टू एन ई लगा के आपने चार्ज निकाल लिया, तो -8 × 10^-5 कूलाम आ गया। ऐसे ही अब जो सेकंड केस था, सेकंड केस में कॉम्बिनेशन दे रखा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, मतलब प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है, तो सबसे पहले चार्ज निकाल लो इलेक्ट्रॉन पर, फिर चार्ज निकाल लो प्रोटॉन पर, और जो नेट चार्ज आप निकालोगे, नेट चार्ज में क्या करोगे, उसका सम कर दोगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आएगा और प्रोटॉन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ गया, 4.8 माइक्रो कूलम। ओके, अब ये समझ में आ गया तो एक बार यस कर दो, ठीक है। तो पॉलीथीन पे जो चार्ज है वो कितना है, -2 × 10^-7 कूलाम। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गेन करे हैं पॉलीथीन ने। अब हमें निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करें, तो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू पी इजिकल टू एन ई, क्यू इजिकल टू एन ई फॉर्मूला लगा देंगे अपन। क्यू इजिकल टू एन ई लगाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, चार्ज डिवाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है। तो चार्ज कितना है देखो इसका, -2 × 10^-7 कूलाम है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 × 10^-19। और सर एक मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन, 9.1 × 10^-31 पे, माइनस 31 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो 2 / 1.6, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, × 10^2 कर देते हैं -7 एंड +19 कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 / 1.6 × 10^7, 12 हो जाएगा, है ना। तो ये आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हुए हैं किसको, पॉलीथीन को। अब एक इलेक्ट्रॉन का जो मास दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है, 9.1 × 10^-31 किलोग्राम, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो क्वेश्चन हमसे किया गया है, सो हम वी कैन राइट डेट अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड टू पॉलीथीन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 2 / 1.6 × 10^12, और इंटू क्या कर देंगे, 9.1 × 10^-31, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, इसको हम क्या करें, सॉल्व करें तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कैलकुलेट थोड़ा कर लेना, आपका आंसर आएगा 11.38 × 10^-19, ठीक है। और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है, 11.38 अराउंड इसका आंसर आएगा। ओके, तो एक बार चेक कर लो इसको, आ रहा है आंसर इतना, एक बार सॉल्व करके चेक करके देख लो आंसर आ रहा है इतना। यस सर, तो इस तरह से सॉल्व करना है इसको क्वेश्चन को। किसी को डाउट है कुछ भी, इंशिया और हुसैन आनंद आंसर कर ही दिया था, एंजल कुछ डाउट है क्वेश्चन में बताओ, समझ में आ गया, नो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं इसके अपन। अब देखो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और क्वेश्चन समझना और समझ के सॉल्व करना। इसमें दिया हुआ है विच इज बिगर, आ कूलाम, ठीक है, आ कूलाम और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कौन बड़ा होता है, 1 कूलाम्ब बड़ा होता है या एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बड़ा होता है, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक कूलम चार्जेस, हाउ
फ्रॉम वन कूलम्ब ऑफ होता चार्ज। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर लिखें, अगर हम इफ आई राइट दैट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, क्यू इजिकल टू एन ई लगा दे अपन, एन इजिकल टू वन कर देते हैं और इसको ई कर देते हैं, तो ये आएगा आपके पास 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। ठीक है, सो ये कितना आ गया आपके पास, 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। अच्छा, अब यहाँ पर आपको देखना है ध्यान से क्या दिया है, जो फॉर्मूला है हमारे पास क्यू इजिकल टू एन ई होता है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में आपको क्यू इजिकल टू वन कूलम्ब दिया हुआ है, क्यू इजिकल टू कितना दिया हुआ है आपको, वन कूलम्ब दिया हुआ है, तो वन कूलम्ब दिया हुआ है तो वन कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वन कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्यू बाय ई कर देंगे अपन। ठीक है, क्यू आपको वन दिया हुआ है और ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10^-19। ठीक है, तो देखो इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, इसको डिवाइड करके देखो एक बार, डिवाइड करके कितना आएगा, मैं एक वैल्यू बताता हूँ आपको इसकी। ठीक है, वो वैल्यू आप ध्यान रखना ही आएगा, 6.25 इंटू 10^18, और ये आपको ध्यान भी रखना है, 6.25 इंटू 10^18। सो दीज आर, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम चार्ज के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10^18। तो कौन बड़ा होगा बताओ, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, वन कूलम बड़ा होगा, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो क्या है, ज्यादा है, कितने हैं देखो, 6.25 इंटू 10^18 है। आया समझ में, कर लोगे सॉल्व इसको? ठीक है, ठीक है भाई, एक बार ओके कर दो एक बार। यस सर, ठीक है, तो बहुत इजी है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 22, तो आपको एन इजिकल टू 10^2 क्या करना है, 22 हो रहा है। अब कॉम्ब पे कितना चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज के लिए जो फॉर्मूला होता है क्यू इजिकल टू +-ne होता है, तो यहाँ पर कॉम्ब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसका जो चार्ज का नेचर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो 10^22 और ई की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1.6 इंटू 10^-19 हो जाएगा, तो माइनस का साइन इधर आ जाएगा और 1.6 आ जाएगा और इंटू 10^-19 हो जाएगा और प्लस 22 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा ये आएगा -1.6 इंटू 10^3 कूलम। सो 1.6 -1.6 इंटू 10^3 कूलम इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मोस्टली इंसिया ने फर्स्ट टाइम में सही कर दिया था, एंजल ने भी फर्स्ट टाइम में आंसर सही दिया था, और उसे ना और जो है चिन्मय ने करेक्ट कर लिया था, तो बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूला जो है अपना वो ये है, क्यू इजिकल टू +-ne, ध्यान रखना। ठीक है, नाउ डिपेंडिंग ऑन जो बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है या लूज कर रही है, उसके अकॉर्डिंग प्लस और माइनस का साइन आता है। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, देखो आप, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ कप ऑफ टी। ठीक है, 250 ग्राम ऑफ कप ऑफ टी है, तो उसके अंदर कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो कप ऑफ टी मान लो, तो हम इसको वाटर लेके चलते हैं, है ना, H2O ले लेते हैं, H2O। ठीक है, तो H2O इसमें कुछ थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी यूज हो रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। H2O में आप देखो, H2O एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का भी है। ठीक है, तो अगर आप इसका, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, 18। हाँ, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास आप जब निकालोगे तो दो तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, 16 आता है ना ये आपको, तो 16 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 18।
ठीक है, 16 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा मॉलिकुलर मास। ठीक है, ये कितना आ जाएगा मॉलिकुलर मास, ये थोड़ा ध्यान रखना आप, ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा। सो H2O का जो एक मॉलिक्यूल है, H2O का जो एक मॉलिक्यूल है उसका मॉलिकुलर मास कितना आता है, 18 ग्राम होता है। और इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ, ठीक है, हम वाटर लेते हैं, 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये होता है एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ध्यान रखना, एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर, और उस अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 × 10^25। ठीक है, 6.02 × 10^10, इसकी वैल्यू होगी 10^23, है ना, थोड़ा इसको करेक्शन करना है इसका, इसकी वैल्यू होगी 6.02 × 10^23। ठीक है, तो देखो हाइट, ये जो वाटर है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला कितना आया, 18 ग्राम। अब 18 ग्राम जो वाटर है, 18 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 6.02 × 10^23, ये 18 ग्राम में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से निकालें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, तो 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो कैसे हो जाएगा आपका 6.02, ठीक है, × 10^23 एंड डिवाइड बाय, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 18 ग्राम आ जाएगा, 18 ग्राम, ओके, इंटू कितना कर देंगे, 250 ग्राम। ठीक है, तो इससे आपके पास क्या जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मैं कर देता हूँ इसकी, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 8.36 × 10^24, 8.36 × 10^24, यानी कि जो 250 ग्राम कप ऑफ वाटर है या कप ऑफ टी में अपन क्या लेके चल रहे हैं, वाटर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 250 ग्राम जो कप ऑफ टी है या वाटर है उसका, उस वाटर के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं, 8.36 × 10^24। अब अगर हम खाली H2O की बात करें, H2O की, तो H2O के अंदर अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, ये निकालें अगर, तो H2O के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन के तो दो, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ तो दो इलेक्ट्रॉन्स तो हाइड्रोजन के हो जाएंगे, और 8 किसके हो जाएंगे, ऑक्सीजन के। ठीक है ना, हाइड्रोजन का कैसा हो जाएगा, 1+1, है ना, तो 1+1 2 ये हो गया, और ऑक्सीजन का 8 ये हो गया, तो 8+2 कितना होगा, 10। जैसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10 है, और अपने पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 8.36 × 10^24। ठीक है, तो अगर चार्ज निकालें अपन, Q इजिकल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, Q इजिकल टू प्लस माइनस Ne। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इजिकल टू प्लस माइनस Ne। अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो देखो, एक जो एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, H2O का जो एक मॉलिक्यूल है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इतनों के पास कितने हो जाएंगे, तो 10 × 8.36 × 10^24, ये तो ये आ गया आपका। ठीक है, ये तो एन निकाल लिया आपने, अब एन के बाद ई की वैल्यू रखोगे, ई की वैल्यू कितनी है आपकी, 1.6 × 10^-19। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो, देखो इसको सॉल्व करके आपके पास, मैं कैलकुलेशन में आपकी कर देता हूँ, तो इसके आपके पास आ जाएगा 1.33 × 10^7 कूलम। अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व कराए तो माइनस आ गया, ऐसे ही जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे, तो प्रोटॉन के लिए सॉल्व करोगे तो वो सेम सॉल्यूशन होगा, बस साइन किसका आ जाएगा उसमें, प्लस का आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, 1.33 × 10^7 कूलम। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछो आप। ठीक है, देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है,
वो सब्सटेंस जिनसे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है उनको अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। अब कंडक्टर्स में ऑल द मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर कंडक्टर। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कई बार ऐसा भी होता है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के कुछ नेम्स लिखे होते हैं और आपको पता कर उसमें से अलग अलग फाइंड आउट करना होता है कि कौन तो कंडक्टर है और कौन इंसुलेटर है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो डेफिनेशन तो ध्यान ही रखनी है आपको। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऑल द मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर कंडक्टर्स। द मेटल अलॉयज सच एट नाइक्रोम, मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन विच आर यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर ऑल्सो कंडक्टर्स, बट देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मच लेस देन ऑफ अ प्योर मेटल्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे जाके हम स्टडी करेंगे। जैसे हीटर, हीटर के अपन हीटर के अंदर कौन सा वायर यूज होता है, तो वहां पर क्या होता है, मेटल अलॉय यूज होते हैं। मेटल अलॉयज क्या होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्योर मेटल से कम होती है, मतलब रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो वहां पर हमें हीटर के अंदर क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट लगाने होते हैं। तो हीटिंग एलिमेंट जो हम लगाते हैं वो किसके होते हैं, मेटल अलॉयज के होते हैं। तो ये जो भी एग्जाम्पल यहाँ पर बताए हुए हैं, जैसे नाइक्रोम है, मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटन है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है। ये हीटिंग एलिमेंट्स कहाँ यूज करते हैं अपन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, ठीक है ना। तो प्योर मेटल्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ये मेटल अलॉयज हैं, इनकी ये भी कंडक्टर्स ही हैं, बट इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है प्योर मेटल से, ठीक है। आगे देखते हैं, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ कंडक्टर। ये एक एक पॉइंट जो लिखा हुआ है क्वेश्चन बन के आता है आपके पेपर में, तो आपको एक एक पॉइंट याद रखना है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ कंडक्टर एंड द ह्यूमन बॉडी इज अ फेयरली गुड कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ कंडक्टर, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ध्यान रखने हैं आपको कंडक्टर के, है ना। इसके बाद क्या है, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो होंगे जिनके थ्रू क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सडनली आपसे कोई पूछ ले ग्लास कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, तो अगर आपने ये पढ़े हुए नहीं है, एग्जाम्पल्स आपने स्टडी नहीं किए हुए, तो आप आंसर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मोस्टली जो एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं इंसुलेटर के आपके एग्जाम से, वो सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, तो आप बस ये एग्जाम्पल्स याद कर लेना। ग्लास, एबोनाइट, एबोनाइट रोड, रबर, मोस्ट प्लास्टिक्स, पेपर, ड्राई वुड, कॉटन, माइका, बेकेलाइट, प्रोक्लीन एंड ड्राई एयर, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, पेपर में आने वाले एग्जाम्पल्स हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। रीजन ऑफ डिफरेंट बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस, तो देखो क्या होता है कि यहाँ देखो आप, यहाँ पर क्या है, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन अकेला है बाहर वाले ऑर्बिट में, तो जो प्योर मेटल्स होते हैं ना, प्योर मेटल्स में क्या होते हैं कि जो आउटर ऑर्बिट होता है ना, आउटर ऑर्बिट के अंदर इस तरह से एक फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आउटर ऑर्बिट में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि लूजली बाउंडेड होता है यहाँ पर, और लूजली बाउंडेड होने की वजह से ये क्या होता है, यहाँ से फ्री हो जाता है। फ्री हो जाएगा तो यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होकर फ्लो होने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होना है वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली रीजन क्या है कि कुछ जो है वो इंसुलेटर्स हैं, कुछ कंडक्टर्स हैं, रीजन ये होता है कि जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वहां से फ्री हो जाएंगे, फ्री होकर फ्लो होने लग जाते हैं, और फ्लो होने लग जाते हैं इस वजह से क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, ठीक है। और जो जहाँ पर करंट, जिस सब्सटेंस में करंट का फ्लो हो गया, वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, आपका कंडक्टर कहलाता है। और जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो उनको अपन क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स कहेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेंशन भी क्या हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस मेक इट अ कंडक्टर। कंडक्टर क्यों बनता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ सब्सटेंस मेक इट अ इंसुलेटर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ना। देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए हुए हैं, ये थ्री पिन है, थ्री पिन में मेटल पिन्स हैं, ठीक है, मेटल पिन्स हैं, पर ये जो केस बना हुआ है ये किसका बनाया हुआ है, इंसुलेटर का बना, प्लास्टिक केस बनाया हुआ है इंसुलेटर का। क्यों बनाया हुआ है, ताकि जो भी यूजर है उसको शॉक ना लगे, करंट ना लगे, इसके लिए जो आपकी ये थ्री पिन का जो केस होता है वो किसका बनाते हैं,
इंसुलेटर का बनाते हैं, जैसे प्लास्टिक का यहाँ पे बना हुआ है, ऐसे यहाँ पर देखो एन इलेक्ट्रिक केबल कंटेनिंग 3 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। तो ये अलग अलग कॉपर वायर है, ये भी कॉपर वायर है, ये भी है, ये भी कॉपर वायर है, पर आपस में इनके कॉन्टेक्ट ना रहे इसलिए इनको किससे कवर किया हुआ है, इंसुलेटर से कवर किया हुआ है। ठीक है, तो अपने अपने यूजेस हैं कंडक्टर के भी और इंसुलेटर के भी। तो ये मैंने बहुत प्रिसाइसली आपको बताया हुआ है, मेनली यही पूछा जाता है कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स, तो आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पर आने चाहिए। ठीक है।